सुप्रभात बच्चों, आज हम कविता पाठ करेंगे। हमारी कविता का शीर्षक है समय मूल्यवान है। प्रस्तुत कविता डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बताया है कि जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना आदि महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की सफलता के लिए समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। आइए, हमारी कविता कुछ इस प्रकार से है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि बीता समय कभी वापस नहीं आता, इसे खोने वाला व्यक्ति केवल हाथ मलमल कर पछताता है। धन श्रम से, स्वास्थ्य उपचार से, विद्या पढ़ने से वापस आ सकती है, किंतु जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और महात्मा गांधी जी का उदाहरण देते हुए कवि यह कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को एक क्षण की भी बर्बादी खटकती थी, इसीलिए वे हमेशा अपनी कमर में घड़ी लटकाए रखते थे। हमें भी अब समय के महत्व की को समझना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।